सो हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी को सरस्वती पूजा के लिए कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करने को सिखाने वाला हूं, वो भी पिक्सआर्ट ऐप की मदद से। तो गाइस, इस तरह से फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा, ताकि आप कुछ इस तरह से अपने फोटो को बिल्कुल अच्छे से आप एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह से फोटो एडिटिंग करने का वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद आपके यहाँ से सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड इस शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इस बैकग्राउंड को आपको ऐड कर लेना है। एंड सो गाइस, आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस, आपके यहाँ से इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस टूल्स इस आइकन पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है एंड सिंपली आपके यहाँ से इस एडजस्ट आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपके यहाँ से सैचुरेशन पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है। सो गाइस, उतना कुछ हो जाने के बाद आपके यहाँ से सिंपली डन कर लेना है एंड आपके यहाँ से राइट की ओर से कुछ इस तरह से आपको स्क्रॉल कर लेना है एंड आपके यहाँ से इस ऐड फोटो पे क्लिक कर लेना है एंड ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से कुछ पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, हम सबसे पहले इस मॉडल का पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली आपको इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके आपके यहाँ से ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस मॉडल का पीएनजी को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आपके यहाँ से इस मॉडल को बिल्कुल अच्छे से आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है एंड आपके यहाँ से इरेज आइकन पे सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपके यहाँ से इरेजर को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, आपके यहाँ से सबसे पहले आपको हार्डनेस को सेट कर लेना है। तो गाइस, आपके यहाँ से हार्डनेस को रख लेना है 30 के आसपास एंड इरेजर का साइज को आपको अपने हिसाब से रख लेना है एंड आपके यहाँ से कुछ इस तरीके से आपके यहाँ से इरेज कर लेना है एंड आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से अपने मॉडल को आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ परफेक्ट एडजस्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपके यहाँ से सिंपली हम डन कर लेंगे एंड अगेन आपके यहाँ से इस ऐड फोटो पर हम क्लिक कर लेंगे एंड हम अपने फाइल पे चले आएंगे। तो गाइस, आपको अपने फाइल पे चले जाना है। तो गाइस, आपके यहाँ से अपने मॉडल या अपने फोटो का पीएनजी को आपके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, मैं इस मॉडल का पीएनजी को सेलेक्ट कर लूंगा एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो गाइस, आपके यहाँ से इस मॉडल को भी कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड एडजस्ट हो जाने के बाद आपके यहाँ से सिंपली इस इरेज आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से इरेजर को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, आपके यहाँ से फिर से हार्डनेस को सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड आपके यहाँ से इरेज का साइज को अपने हिसाब से रख लेना है। तो गाइस, उसके बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से इरेज कर लेना है, यहाँ से इसको बिल्कुल आपको यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है एंड सिंपली आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड इतना कुछ हो जाने के बाद आपको फिर से हम इस ऐड फोटो पे क्लिक कर लेंगे एंड क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से हम इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली हम इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड सबसे पहले हम इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे एंड इसका ओपेसिटी को आपको यहाँ से 85 के आसपास रख लेना है। तो गाइस, उसके बाद आपके यहाँ से इस पीएनजी को आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेना है एंड सिंपली आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड इसके बाद आपके यहाँ से फिर से हम इस ऐड फोटो पे चले आएंगे, यहाँ से हम फिर से यहाँ से कुछ पीएनजी सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, हम सबसे पहले इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हम एक तिलक का पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, हम इस तिलक का पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो गाइस, हम सबसे पहले इस तिलक का पीएनजी को एडजस्ट कर लेंगे हम अपने मॉडल पर एंड आपको यहाँ से इसका ब्लेंडिंग पे चले आना है एंड आपको यहाँ से मल्टीप्लाई पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको
यहाँ बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड सिंपली आपको यहाँ से इस लेयर पे क्लिक कर लेना है, एंड आपको यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ से सेकेंड मॉडल पे भी हम इस तिलक का पीएनजी को यहाँ से एडजस्ट, उसके बाद आपके यहाँ से हम इस पीएनजी को यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड आपको यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेना है, एंड आपके यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको सजा लेना है। कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद आपके यहाँ से डन कर लेना है। एंड इतना कुछ हो जाने के बाद आपके यहाँ से सिंपली हम इस टूल पे क्लिक कर लेंगे, एंड आपके यहाँ से डिटेल पे क्लिक कर लेना है। एंड आपके यहाँ से डिटेल को आपको 73 के आसपास रख लेना है, एंड आपके यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल को इनक्रीज कर लेना है। एंड उसके बाद आपके यहाँ से डन कर लेना है। तो गाइस हम कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।